हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आरपी आज आपको कुछ नया दिखाने वाला हूं, जो आपको किचन की तरफ लेके चलता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको बताने वाला हूं कि क्रैब्स, स्पाइसी क्रैब कैसे बनाते हैं। आपको दिखाऊंगा कि मतलब कौन कौन से मसाले पड़ते हैं स्पाइसी। अगर आपको केकड़ा बनाना नहीं आता है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके की रेसिपी में कैसा हॉट स्पाइसी सर्दियों के लिए आ रहा है। केकड़ा हम सबको पसंद है, और किस किस को पसंद है, किसको शायद नहीं पसंद है, कोई वेजिटेरियन भी है तो कोई बात नहीं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि केकड़ा बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स आज का कुछ नया टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं कि चलिए दिखाता हूँ रेसिपी क्या क्या चाहिए। तो ले चलता हूँ अभी आपको मैं किचन की तरफ। ये फ्रेंड्स यहाँ पे लिया है, एक देख सकते हैं आपकी एकदम फ्रेश क्रैब है, जो मतलब कि अभी आपको इसमें बताने वाला हूँ कि क्या क्या पहले इसको सफाई करते हैं, क्या क्या करने से पहले। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सफाई कर रहे हैं उधर, एक तरफ बाउल में सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट हमने टेबल पे रखा है कैरेट बेबी, ये देख सकते हैं सफाई किया। इसमें इस अंदर का वो बाहर का जो खोपड़ी जो रहता है उसको निकालना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए पूरा क्रैब को पानी में डाला हुआ है, तो वहाँ से अभी निकाल के ये देख सकते हैं कि ऐसा इस तरीके से मतलब कि इसको खोलना रहता है, अंदर का कचरा इस तरीके से, ये बाहर का खोपड़ी जो है इसका फेंकना पड़ता है। तो मतलब कि ये करी बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक एक करके इस तरीके से साफ़ करना पड़ेगा आपको। तो मतलब आपको दिखाता हूँ कि मतलब ये सफाई करने के बाद ये देख सकते हैं जितना क्रैब लिया है सब सफाई कर दिया। इसमें हमने बेसिल भी डालना है, अभी लिया है, जो मतलब कि देख सकते हैं कि बेसिल मतलब जो तुलसी भी बोलते हैं, तो मतलब कि ये डालेंगे तो एकदम गर्म और टेस्टी शानदार रहता है। तो सबसे पहले अभी बनाने के लिए देखिए भांडी में तेल डाला है, तेल डालने के बाद यहाँ पे गार्लिक डालेंगे जो रफली कट किया है, गार्लिक है, जिंजर है, टमेटो है, ग्रीन चिल्ली है मतलब कि, और ये चॉप कोरिएंडर है, और इधर चॉप ऑनियन है। आपको एक बाई एक एक स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। जैसे तेल गर्म करने के बाद देखा, आप देख सकते हैं कि गार्लिक डाला, गार्लिक ब्राउन हल्का भूनने के बाद ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद देख सकते हैं चॉप ऑनियन था हमारे पास 2-3 पीस का मीडियम ऑनियन था, तो इसमें गार्लिक होने के बाद अब जिंजर भी इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं पहले गार्लिक डाला, फिर ऑनियन डाला, फिर जिंजर डाला, इसके बाद जिंजर डालने के बाद इसमें रफली फिर चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद फिर इसमें आप थोड़ा भुनने के बाद हल्का गल जाएगा तो इसमें आप चिल्ली, ग्रीन चिल्ली डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का, ज़्यादा भुनना भी नहीं है उसमें, क्रैब में भुनते भुनते ये सब मेल्ट हो जाएगा। तो आप इसमें ऐड कर देंगे, क्रैब डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि क्रैब लिया है, जो मतलब इधर मसाला हल्का भून रहा है, तो मसाले में आप देख सकते हैं ये सब इंडियन स्टाइल भी बोल सकते हैं, चाइनीज स्टाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें थोड़ा टमाटो पेस्ट भी डालेंगे, जो मतलब कि यहाँ पे तो मिलता है केडीडी का टमाटो पेस्ट। तो देख सकते हैं सब सामान डालने के बाद टमाटो पेस्ट डाला, उसके बाद क्रैब ऐड कर दिया, उसके बाद अब हल्का मसाला डालेंगे। मसाले में हमने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मतलब गरम मसाला ये सब लिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब हल्का भून रहे हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, ये मतलब कि बहुत ही जानदार टेस्टी बनता है। तो इसमें थोड़ा सोया सॉस भी डालेंगे, विनेगर भी डालेंगे, लेमन जूस भी डालेंगे। तो दिखाऊंगा अभी, आप देखते रहिए वीडियो को। देख सकते हैं कि इसको हल्का भुना, उसके बाद इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। देख सकते हैं करीब एक अपने हिसाब से डालिए, एक स्पून करीब आप अपने हिसाब से सोया सॉस डालिए, विनेगर डालिए, तो मतलब कि सावर रहेगा। थोड़ा लेमन भी डालना है और कैप्सिकम भी अभी ऐड करेंगे, मतलब कि अभी बाद में। तो स्टेप बाय स्टेप ये देख सकते हैं मसाले, यहाँ पे आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ग्रीन रेड चिल्ली है, ये मैगी क्यूब है, और इसमें धनिया, करी पाउडर, जीरा पाउडर है। तो क्रैब फ्रेश है, हमने फोटो ऐसा बीच में मैंने डाला है, आप देख सकते हैं कि अभी हल्का ये भुनने के बाद देखिए कलर थोड़ा रेड रेड थोड़ा अच्छा कलर में आने लग गया है। भुनते भुनते मतलब कि अभी देख सकते हैं इसमें अभी मसाले सारे, ब्लैक पेपर है, जीरा पाउडर है, करी पाउडर है, मतलब चिल्ली पाउडर है, डालने के बाद थोड़ा इसमें अजीनोमोटो भी हल्का हाफ टी स्पून, या पिंच बोले तो पिंच जैसा भी आप अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भून रहे हैं, हम बेसिल डालेंगे लास्ट में, लेकिन बहुत ही टेस्टी शानदार बनता है, क्योंकि इसमें मैगी है, सोया सॉस है, और लिटिल बिट अजीनोमोटो है। तो अभी जो फाइनली आपको दिखाने वाला हूँ कि मतलब पकने के बाद आप देख सकते हैं कि मतलब अभी ये जैसे भून रहा है, तो सॉल्ट मतलब कि एकदम सॉल्ट भी अपने हिसाब से डालिए, आपको सॉल्ट कितना चाहिए। तो अभी दो पीस लेमन कट किया है, लेमन भी डालेंगे इसमें, कैप्सिकम भी रफली कट किया है। कैप्सिकम डालने के बाद अभी बेल पेपर बस कुक करेंगे 10-15 मिनट में, एकदम बढ़िया अच्छा हो जाएगा ये। आप देख सकते हैं कि
एकदम बढ़िया, मतलब कि क्रैप हो जाएगा। तो लास्ट में आपको ये कोरिंडर चॉप और बेसिल डालना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए, मतलब फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं ये बेसिल डाला, मतलब कि तुलसी बोलते हैं जो इंडिया में, मतलब सबको मालूम ही होगा। लेकिन ये डालने के बाद सी फूड में किसी में भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने घर में बनाइए फैमिली के साथ। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी परोस सकते हैं। तो नमक अपने हिसाब से डालिए। तो मतलब फ्रेंड्स, सॉल्ट, लेमन इसमें हुआ, तो मतलब कि अपने हिसाब से बना के फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।